वाह सारा, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे परियों के शहजादी जमीन पर उतर आई हो। मम्मा आप भी ना। वाकई में तुम बहुत प्यारी लग रही हो। आज तुम देख लेना, जहर तुमसे नजर ही हटा सकेगा। प्लीज मम्मा बस कर। आज एक सरप्राइज है मेरे पास तुम्हारे लिए। क्या सरप्राइज? ओहो, बता दूंगी तो सरप्राइज सरप्राइज थोड़ी रहेगा, तुम्हें तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मम्मा प्लीज बताएं ना, आपको पता है मुझसे सब्र नहीं होता। अगर आपको सरप्राइज नहीं बताना था तो ये क्यों बताया कि सरप्राइज है? अच्छा सारा छोड़ो ना, तुम्हें पता है सारा, अच्छा मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था, मेरा दिल कितना डर गया था। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं तुम्हें खो दूंगी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। उसी दिन मैंने खुद से वादा कर लिया था, अब मैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हर कीमत पर तुम्हें तुम्हारी हर खुशी लौटा दूंगी। वैसे अच्छा हुआ मम्मा कि हादिया की मंगनी हो रही है। शायद इस मंगनी के बाद मैं जुहेब को फिर से पालूं, वो फिर से मेरा हो जाए जैसे पहले था। हमारा साथ घूमना फिरना, हमारी वो दोस्ती, इतना अच्छा वक्त था ना वो। ऐसा ही होगा। आप इतने यकीन से कैसे कह रही हैं? तैयार हो गया आप लोग? मम्मा देखे ना, आप बाबा को कितनी अच्छी लग रही हैं। अच्छा, इन्होंने तो मेरी कोई तारीफ नहीं की। बाबा ये मैं क्या सुन रही हूँ, आपने मम्मा की तारीफ नहीं की? मैं हमेशा तुम्हारी माँ की तारीफ करता हूँ, मगर अफसोस ये है कि जितनी भी तारीफ कर लो कभी सेटिस्फाई नहीं हुई। मुझे लगता है कि आपको ना शर्म आ रही है मेरे सामने मम्मा की तारीफ करते हुए। एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ, आप खुल के तारीफ करें, ठीक है? कितनी खुश लग रही है सारा, अल्लाह करे मेरी दोनों बच्चियां इसी तरह हमेशा खुश रहें। हाँ आमीन आमीन।